महीना हम रहे डिप्टी सीएम 2015 में, 21 में 22 में जब हम बने तो 17 महीने रहे। कौन सा भ्रष्टाचार किया था बता दें, किस चीज का भ्रष्टाचार किया है पहले बताए तो, क्या भ्रष्टाचार किया है? जो मंत्री है उनकी सुरक्षा जो है बढ़ाई जा रही है, यानी ये तय हो गया कि मंत्री भी अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहे। तो सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर इन दिनों सियासत चरम पर है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था पर जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव जो है क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार पर लगातार जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आइए आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ सरकार को सुनाया है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार नंबर वन पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि 17 साल से डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जनता को नकारात्मक चीजों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। कहा कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है, नीतीश कुमार से बिहार नहीं चल रहा है, वह थके हुए मुख्यमंत्री हैं। भाजपा के लोगों को सत्ता से लेना देना है, जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं, इन लोगों को सत्ता में बैठकर मलाई खाना है। दिलीप जायसवाल के बयान पर तेजस्वी यादव कसम खाए हैं कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हमने 18 महीने उप मुख्यमंत्री रहते हुए किसी भ्रष्टाचार नहीं किया, अगर किया है तो लोग बताए। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि 17 साल से सत्ता में बैठे हो, तुम्हें पता नहीं है कि हमने क्या भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि पहले यह तो बता दे, जो अपराधी है, जो भ्रष्टाचारी है, वह लोगों के संरक्षण में है, हम लोग पूरी बात कोर्ट में रखेंगे, अंतिम फैसला कोर्ट को करना है। उन्होंने कहा कि बिहार के मंत्रियों का सुरक्षा बढ़ाया जा रहा है, मंत्री श्रवण कुमार, रत्नेश चड्डा और जमा खान को सुरक्षा नहीं दिया गया। मंत्रियों को जिस तरीके से सुरक्षा दी जा रही है उसमें यह साबित हो रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, यहां मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन पर भाजपा को दिक्कत होने पर उन्होंने सवाल किया है कि भाजपा ने पीडीपी से समझौता क्यों किया, बातों का कोई लॉजिक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जो भाजपा के सामने झुकेगा उसे जेड प्लस की सुरक्षा मिलेगी, उसे वो मंत्री बना देंगे, आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, मलाईदार जगह पर भेज दिया जाएगा, गवर्नर बना दिया जाएगा और जो नहीं झुकेगा उस पर कार्रवाई होगी। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार के सत्ता पर जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, नीतीश कुमार को लगातार निशाना बना रहे हैं। बिहार में लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था के हालात पे जो है तेजस्वी यादव जो है सरकार पर निशाना साध रहे हैं और एक बार फिर से भाजपा और नीतीश सरकार पर जो है तेजस्वी यादव हमला बोला है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।